वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी DMRC एग्ज़ाम के लिए नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन को कर रहे थे, जिसमें कि 10 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, और अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है पार्ट नंबर 11 है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए फ्रेंड, सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पूरा करने के लिए संविधान सभा के कितने सत्र आयोजित किए गए थे? संविधान को पूरा करने के लिए जो है कुल कितने सत्र का आयोजन किया गया था? आपके ऑप्शन है 10, 11, 12 या फिर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो संविधान को पूरा करने के लिए कुल जो है 11 सत्र का आयोजन किया गया था। संविधान जो है टोटल 165 दिन में पूरा हुआ था, 165 दिन में जो है संविधान बनकर तैयार हुआ था, और उसमें जो है कुल 11 सत्र का आयोजन किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर दिल्ली का राजकीय पुष्प कौन सा है? आपको बताना है दिल्ली का जो है राजकीय पुष्प जो है कौन सा है। आपके ऑप्शन है धक पुष्प या फिर अल्फला पुष्प या फिर ब्रह्म कमल पुष्प या फिर भारतीय गुलाब शाह बलूत पुष्प। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्फला पुष्प जो है दिल्ली का राजकीय पुष्प है। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध सन 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? 1857 का विद्रोह में जो है किसने भाग नहीं लिया था? टाटा टोपे, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई या फिर नाना साहब। तो किसने यहाँ पर भाग नहीं लिया था? टीपू सुल्तान ने जो है 1857 की क्रांति में जो है भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किसके द्वारा किया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा का सीमांकन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन या फिर सर सिरिल रेडक्लिफ या फिर स्टाफर्ड क्रिप्स या फिर लॉरेंस। तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे भी रेड क्लिप लाइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कुतुब मीनार की पाँचवीं मंजिल की स्थापना की थी? जो कुतुब मीनार की पाँचवीं मंजिल की स्थापना जो है किसने किया था? स्टार्ट जो है कुतुब मीनार की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन जो है इसकी पाँचवीं मंजिल का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने इसका पूरा किया था। तो कुतुब मीनार जो है पाँच मंजिला यहाँ पर मीनार है, जिसका जो है अंतिम मंजिल की निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील जो है किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो कोलेरू झील जो है कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया युवा खेल 2019 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था? जो खेलो इंडिया युवा खेल 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? आपके ऑप्शन है यहाँ पर पुणे में, लुधियाना में, नई दिल्ली में या फिर नोएडा में। तो कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन जो है पुणे में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के प्रथम शहर का नाम बताइए जहाँ पर अनियंत्रित ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो है रोबोट का प्रयोग किया गया था। तो अनियंत्रित ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो है कहां पर रोबोट का प्रयोग किया गया था? ये शहर है इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर में जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो है रोबोट का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सैनिक को नगद भुगतान करना शुरू कर दिया था? यानी कि किस सुल्तान ने जो है सैनिकों को नगद राशि वेतन को तौर पर देता था? आपके ऑप्शन थे शेर शाह सूरी, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सैनिकों को नगद भुगतान दिया करता था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या जो है कहां पर की गई थी, पोर्ट ब्लेयर, दीव, दिल्ली या फिर कोलकाता। तो लॉर्ड मेयो की हत्या जो है कहां पर की गई थी, पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पहले संविधान सभा का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष पहले कौन थे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान के पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं पूछा गया है चंद्रयान 2 का वजन कितना है। अभी हाल ही में जो है चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था जो कि विफल रहा, तो यहाँ पर पूछा गया है चंद्रयान 2 का वजन जो है कितना था। तो इसका वजन था 3850 kg, 3850 kg जो है इसका वजन था। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, चंद्रयान 2 मिशन का नेतृत्व किन दो महिला वैज्ञानिकों ने किया है। चंद्रयान 2 का जो है नेतृत्व किन दो महिला वैज्ञानिकों ने किया था, तो इनका नाम था मुथैया वनीता और रितु करदिल। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में रबर का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा होता है। रबर का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या फिर आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जो रबर का उत्पादन होता है वो होता है केरला में। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ पर तैयार या फिर छापा यानी कि प्रिंट किया जाता है। जो भारत का मानचित्र होता है डेली का मौसम मानचित्र जो होता है इसको जो है कहाँ पर छापा अथवा प्रिंट किया जाता है, कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में या फिर पुणे में। तो कहाँ पर इसका प्रिंट किया जाता है, इसका जो है प्रिंट पुणे में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। कंचनजंगा, काजीरंगा अगर यहाँ पर पूछता तो असम हो जाता है, कंचनजंगा यहाँ पर पूछा है तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपको बताना है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, तो काफ़ी सिंपल है, बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत जो है संसद के सदन की बैठक शुरू करने के लिए गणपूर्ति यानी कि कोरम की संख्या सदन की कुल संख्या का जो है दसवां हिस्सा होती है। यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद के अगर सदन की बैठक करनी है तो कुल सदस्य संख्या की जो है 10% होना अनिवार्य है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है ये। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद जो है 100 के अनुसार जो है यहाँ पर जो है सदस्य संख्या का दसवां हिस्सा होना अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या होता है। शून्यकाल जो है क्या होता है, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय या फिर संसदीय कार्यवाही के पहले भाग का समय या फिर संसदीय कार्यवाही के अंतिम भाग का समय या फिर प्रश्नकाल के पहले का समय जो है शून्यकाल होता है। तो शून्यकाल जो होता है कब होता है, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय जो होता है ये प्रश्नकाल होता है। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कौन से यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश है जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम हिदायतुल्ला जो है भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं मुख्य न्यायाधीश के अलावा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने तट राज्य तटवर्ती
राज्य तटवर्ती हैं, यानी कि भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र के किनारे स्थित हैं। तो कितने राज्य हैं यहाँ पर? 9 राज्य जो है भारत के समुद्र के किनारे हैं, जिसमें कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, इसके अलावा जो है कई गोवा हो गया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो है 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है समुद्र तट के किनारे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं किया गया था? कौन सा आंदोलन था जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं किया गया था? ये आंदोलन था बारडोली सत्याग्रह। कौन सा आंदोलन था? बारडोली सत्याग्रह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था, तो ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? अगर आपको जो है भारत के उपराष्ट्रपति बनना है तो आपकी जो है न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? तो ये कितनी होनी चाहिए? 35 साल होनी चाहिए आपकी न्यूनतम एज। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान को जो है मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? तराइन के सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर है। और तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान से जीत गए थे। पहले युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीते थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए किया था? जो हंटर कमीशन की नियुक्ति जो है किसकी जांच के लिए किया गया था? तो किस आंदोलन की जांच के लिए किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उसकी जाँच के लिए जो है यहाँ पर हंटर कमीशन बैठाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने बाद में सती प्रथा का अंत किया था? तो सती प्रथा का अंत जो है किसने किया था यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय को कितने न्यायाधीशों के साथ जो है स्थापित किया गया था? तो दिल्ली उच्च न्यायालय को जो है कितने न्यायाधीश थे जब इसको स्थापित किया गया था? तो इसमें जो है केवल तब 4 न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर दिल्ली उच्च न्यायालय के बारे में और जानकारी देख लीजिए। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 31 अक्टूबर 1966 को हुई थी और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 4 न्यायाधीशों के साथ हुई थी। वे मुख्य न्यायाधीश थे एस हेगड़े, न्यायमूर्ति आईडी दुआ, न्यायमूर्ति एचआर खन्ना और न्यायमूर्ति एसके कपूर। तो यहाँ पर जो है 4 ही न्यायाधीश थे। तो फ्रेंड ये थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद है आपने जो है सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।